वेलकम क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके हमने पहली एप्लीकेशन कर ली थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हम उसकी चेकिंग का भी यूज कर लेते हैं यहां पर। तो ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ दीज टर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिलेशन। यानी क्या कहता है सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि दोनों साइड में जो जो टर्म्स आई हैं, जो जो क्वांटिटीज आई हैं, यानी जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की। जैसे एग्जांपल लिया है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड में है एम रेस टू पावर ए, एल रेस टू पावर बी एंड टी रेस टू पावर सी। एबीसी कितने भी हो सकते हैं, प्लस माइनस एनीथिंग। तो इसी तरह से इस तरफ भी क्या आना चाहिए, एम रेस टू पावर ए, एल रेस टू पावर बी एंड टी रेस टू पावर सी। यानी जो वेरियस टर्म्स आई हैं, वेरियस क्वांटिटीज आई हैं, उनकी डायमेंशंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। दूसरी बात ये कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड और बेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड फ्रॉम ईच अदर हैविंग सेम डायमेंशंस। हम उन्हीं क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल एल प्लस एल की डायमेंशन एल ही आएगी, यहां पर टू एल नहीं कह सकते। ये एल क्या है, लेंथ की डायमेंशन। ये एल भी क्या है, लेंथ की डायमेंशन। यानी लेंथ और लेंथ जब एड अप होंगे, उनकी सेम डायमेंशन है तो एक न्यू लेंथ बनेगी। जैसे 1 मीटर प्लस 1 मीटर हम क्या मानते हैं, 2 मीटर। तो मीटर क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट है। यानी एक न्यू लेंथ की डायमेंशन से आएगी, हम लेंथ से मास को नहीं मिला सकते। देखें यहां पर m है वो मास को बता रहा है कि लेंथ की डायमेंशन है वो मास की डायमेंशन के साथ एड अप और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहां पर एक फॉर्मूला दिया है t इज इक्वल टू 1/2 pi रूट ऑफ एल बाई जी। ये किसका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है ये, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखिए बार बार कह रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन की हेल्प से चेक करना है। तो यहां पर टी क्या है, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एल क्या है लेंथ ऑफ द थ्रेड, और जी क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सबसे सिंपल होता है बेटा, अगर हम किसी थ्रेड से किसी स्टोन को बांध के हैंग कर दें तो वो एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। या क्लॉक्स के अंदर जो पेंडुलम होती हैं, जो आवर के बाद साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड जो बजता है हमारा, वो एक्चुअली में सिंपल पेंडुलम ही होता है। यानी सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है, किसी थ्रेड को, किसी स्टोन को हमने थ्रेड से बांध दिया और उसे टाई कर दिया तो वो एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है, और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये। यहां पर जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी किस टाइप की क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है बेटा। 4 टाइप की क्वांटिटीज होती है डायमेंशन के बेसिस पर, उनमें से ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन होती है पर इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन 1/2 pi ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायमेंशंस नहीं होती। आपको 4 टाइप की क्वांटिटीज करवाई थी, उनका यूज होना है यहां पर। जिनकी डायमेंशंस होती हैं उनकी डायमेंशंस पुट करनी है, जिनकी डायमेंशंस नहीं होती उनकी डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं यहां पर। तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसकी एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन होगी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्या है, तो आंसर है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में टी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एम जीरो एल जीरो टी वन, यानी
एम और एल की डायमेंशन यहां पर नहीं है। अब राइट साइड से शुरू करते हैं, वन अपॉन टू पाई, क्या है राइट साइड, वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी, वन अपॉन टू पाई डायमेंशनल लेस है, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो क्या रह गया हमारे पास रूट ऑफ एल अपॉन जी। एल लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एल, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन और एक्सलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। क्लियर, सॉल्व किया, एल से एल कैंसिल हो गया क्योंकि सेम डायमेंशन है, तो हमारे पास क्या रह गया रूट ऑफ टी की पावर को ऊपर ले गए तो पावर हो गई प्लस टू, यानी टी स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास डायमेंशन फिर से क्या आई जी, यानी एम जीरो एल जीरो टी वन। तो हमने क्या देखा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मीन हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। क्लियर, एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एक्चुअली में ये रिलेशनशिप क्या बताता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी की, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच। कि इस रिलेशनशिप को चेक करिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो एम क्या है यहां पर मास ऑफ द बॉडी, जिसकी डायमेंशन क्या होगी कैपिटल एम, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस वन, एच क्या है हाइट फ्रॉम द सरफेस, हाइट यानी एल डायमेंशन होगी हाइट की भी, एंड जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस टू। क्या करना है एल एच एस की सभी डायमेंशन को चेक करना है, फिर आर एच एस की चेक करना है, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो हमने पुट किया हाफ नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी का स्क्वायर है देखिए v स्क्वायर, तो v की डायमेंशन पुट करेंगे फिर उनका स्क्वायर ले लेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आया m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2 एंड t रेज टू पावर माइनस 2। आर एच एस एम जी एच, एम की डायमेंशन मास की m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन एल टी माइनस 2। क्लियर, और हाइट की डायमेंशन एल, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया एम रेज टू पावर 1 एल स्क्वेयर टी रेज टू पावर माइनस 2, यानी एल एच एस इज इक्वल टू हो गई बेटा आर एच एस। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है तो हमारे हम ये कह देंगे कि ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। क्लियर, तो बेसिक क्या यूज होता है इसमें, इसमें बेसिक यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि अगर दोनों साइड में जितनी टर्म्स यूज हुई हैं, जितने भी क्वांटिटीज या जितने भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम लेंथ मास उनकी डायमेंशंस अगर बोथ साइड में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस दोनों की सेम है, तो वही फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनली करेक्ट होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ फॉर्मूलेस हैं वो प्रैक्टिकली ओबे की जाती है लेकिन डायमेंशनली इनकोरेक्ट होती है। क्लियर, दूसरा क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर हैविंग सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन सेम होगी वही ऐड की जा सकती है। अगर इस फॉर्मूले में मान लो यहां पर एम की थ्री आता नीचे सपोज करते हैं तो एक एम से एक इस एक एम की डायमेंशन है वो कट हो जाती, लेकिन अब नीचे कुछ भी नहीं है, अगर मान लो करंट की डायमेंशन आगे नीचे एम्पियर तो इन क्वांटिटी से एम्पियर है वो कट नहीं होगा, यानी सेम डायमेंशन की क्वांटिटी एडअप या सब्ट्रैक्ट होती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।